नमस्कार, सुचित्रा पांडे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, टमाटर की चटनी। टमाटर केवल सब्जी या सलाद में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी आप चटनी भी बना के खा सकती हैं। इसे कैसे बनाते हैं, इसकी आसान सी विधि मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं सामग्री के साथ इसे बनाना। टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg टमाटर लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसकी अब कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए साइड का पार्ट हम निकाल देंगे और इसे रफली चॉप कर लेंगे। टमाटर की चटनी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे क्वालिटी के पके हुए रसदार टमाटर का उपयोग करना है। अगर टमाटर अच्छे नहीं होंगे तो हमारी चटनी भी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए टमाटर हमेशा अच्छी क्वालिटी के पके हुए लेने हैं। खाने के साथ अगर टमाटर की चटनी अगर मिल जाए तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। भारतीय थाली में चटनी का महत्वपूर्ण स्थान है, यही वजह है कि हमारे यहाँ चटनी की ढेरों वैरायटी मौजूद हैं। मौसम के हिसाब से चटनी खाई जाती है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पुदीना की चटनी, कच्चे आम की चटनी स्वाद खाने का जायका बढ़ा देता है। वहीं टमाटर की चटनी ऐसी है जो हर मौसम में बनाई और खाई जा सकती है। आज हम आपको टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना बता रहे हैं। आप कृपया पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। पूरे टमाटर को मैंने रफली कट कर लिया है और मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और इसमें मैंने सरसों का तेल 1 चम्मच डाल दिया है, साथ में 1 चम्मच जीरा भी दिया है। जीरा की अच्छी तरह से चटकने के बाद इसमें 2 लाल मिर्च सूखी इसमें ऐड करेंगे, साथ ही इसमें 2 तेज़पत्ता भी ऐड करेंगे। इसको तोड़ लेंगे और अब इसमें मैं चॉप किए हुए टमाटर को ऐड करूंगी। टमाटर को डालने के बाद कलछी की मदद से इसे चलाते रहेंगे और यहाँ पे मैं गैस को मीडियम रखती हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखती हूँ। इस टाइम टमाटर को फ्राई करते हुए इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या कम मात्रा में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाली है क्योंकि ये खट्टा मीठा और तीखा चटनी बनेगा। देखिए टमाटर हमारा गलने लगा है, अब इसमें मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, हेल्थ के लिए गुड़ अच्छा होता है, इसलिए गुड़ डाल रही हूँ। इसमें गुड़ है जिसको मैंने चाकू से कट कर लिया है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 50 ग्राम गुड़ ऐड किया है, इसको गुड़ डालने के बाद इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। जब ये टमाटर अच्छी तरह से पूरी तरह गल जाएंगे तो हम गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। अभी हमारी टमाटर जो है पूरी तरह से गला नहीं है, इसे कुछ देर और गलने देंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। टमाटर को पकते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर भी मेरा पूरी तरह से गल चुका है और ये गाढ़ा हो गया है, यानी कि हमारा टमाटर की चटनी बनके तैयार है। यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं कि टमाटर की चटनी हमारी बनके कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसे आप पराठे या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आजकल सर्दियों का मौसम है, आप इसे गोभी पराठा, आलू पराठा, मूली पराठा, किसी भी पराठे के साथ इसका आनंद उठा सकते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आप किस चीज़ के पराठे के साथ खाना पसंद करेंगे। मेरे